अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर से। आमतौर पर लोग अपने इलाके और आसपास की समस्या को लेकर विधायक के पास जाते हैं और मांग करते हैं कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए, लेकिन एक लड़के की अजीबोगरीब समस्या जानकर विधायक का भी सिर चकरा गया। दरअसल इस लड़के ने विधायक से गर्लफ्रेंड दिलाने की ही मांग कर दी और उसके लिए चिट्ठी भी लिख दी। लड़के की लिखी चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो चिट्ठी लिखी गई है वो कांग्रेस विधायक सुभाष धोटे के नाम है और लिखने वाले युवक का नाम भूषण जामुवंत है। गर्लफ्रेंड की मांग को लेकर ये चिट्ठी मराठी में लिखी गई है। चिट्ठी में लिखा है, पूरे तहसील में लड़कियों की भरमार है, लेकिन फिर भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये चिंता का विषय है। मेरा आत्मविश्वास कमजोर हो गया है। मैं ग्रामीण इलाके राजुरा से गढ़ चांदूर आता जाता हूँ, फिर भी मुझसे एक भी लड़की नहीं पढ़ती है। शराब बेचने वालों की और गंदी शक्ल वाले लोगों की गर्लफ्रेंड को देखकर मेरा दिल जलता है। मेरी आपसे विनती है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के युवतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो हम जैसे लड़कों को भी भाव दे सकें। विधायक के मुताबिक उन्हें चिट्ठी अभी मिली नहीं है, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पर जरूर देखी है। दूसरी अनोखी खबर बिहार से है। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इसमें उम्मीदवारों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कटिहार जिले में मुखिया पद के लिए एक ऐसे ही उम्मीदवार सजी धजी भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए। भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे उम्मीदवार आजाद आलम से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने जवाब भी दिलचस्प दिया। आजाद आलम ने कहा, महंगाई का दौर है और देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। हम पशुपालक हैं, भैंस पालते हैं, इसका दूध पीते हैं और साथ ही साथ इसकी सवारी भी करते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि लोग उन्हें वोट क्यों दें, तो इसके जवाब में आजाद आलम ने कहा, पंचायत के लोगों को सरकार के सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करेंगे, दूध और मछली से जुड़ा हुआ रोजगार गांव में उपलब्ध कराएंगे, इसलिए लोग मुझे ही वोट देंगे। तीसरी खबर विदेश से है। हवाई के होनोलुलु में बनी ये अनोखी सीढ़ियां कई बार सुर्खियों में आती रहती हैं। इन्हें स्वर्ग की सीढ़ी यानी स्टेयरवे टू हेवन कहा जाता है। ये जगह हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ इसे देखने आते हैं, लेकिन अब इन स्वर्ग की सीढ़ियों को हटाने की योजना बनाई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक होनोलुलु के अधिकारी इसे हटाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ये बेहद खतरनाक टूरिस्ट साइट है। होनोलुलु नगर परिषद ने स्वर्ग के लिए सीढ़ी को हटाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। बताया जाता है कि अमेरिकी नौसेना ने 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए एक गुप्त सैन्य रेडियो बेस तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों का निर्माण किया था, लेकिन तटरक्षक बल ने 1987 में सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया। फिर भी इस खतरनाक साइट पर दिन भर में सैकड़ों विजिटर आते हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ना गैर कानूनी है, बावजूद इसके हर साल लगभग 4,000 पर्यटक यहां आते हैं। नियम का उल्लंघन करने वालों पर $1,000 जुर्माना भी लगाया जाता है, फिर भी लोग नहीं मानते। ये सीढ़ियां 2,480 फीट ऊंचाई तक है। इनमें 3,922 सकरे स्टेप्स हैं। इन पर चढ़ना खतरनाक है, जरा सी गलती से फिसलकर जान भी जा सकती है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों को महसूस होता है जैसे वो बादलों के बीच पहुंच गया है, इसीलिए इसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। हालांकि सुरक्षा चिंताओं के बावजूद इन सीढ़ियों पर केवल एक ही मौत दर्ज हुई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।